नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं चुनावी खबरें। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए देश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने शंखनाद कर दिया है। केंद्र में और देश के 16 राज्यों में शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी के 12,000 पदाधिकारी आए थे। इस 2 दिवसीय अधिवेशन में पार्टी ने राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किए। पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने अपने संबोधन में देश भर के कार्यकर्ताओं को 2019 की लड़ाई के लिए तैयार रहने की बात की। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव पानीपत की लड़ाई जैसे है, यदि वो लड़ाई हार गए तो फिर देश गुलाम हो जाएगा। समापन के दिन अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया। यूपीए के पुराने सरकार के भ्रष्टाचार गिनाए, अपनी सरकार की योजनाएं गिनाई, महागठबंधन पे बुरी तरह बरसे और एक मजबूत सरकार देने के लिए देश को आह्वान किया। तो दूसरी ओर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां से 80 लोकसभा सीटें आती है और भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में जहां से 73 सीटें मिली थी, वहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन का ऐलान कर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी। उसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि हम अकेले अपने बलबूते पे चुनाव लड़के दिखाएंगे। एसपी और बीएसपी के गठबंधन से बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई है, क्योंकि यदि ये दो पार्टियां इकट्ठा होती है तो वो 73 का फिगर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सपने दिखा के सवाल पूछते हुए सत्ता में आई थी, इस बार जनता के सामने सवालों के जवाब देने हैं। वो सपने जो दिखाए थे वो कितने पूरे हुए, इसका लेखा जोखा देना है। यदि हिंदी भाषिक राज्यों में उनकी ताकत कम होती है तो वो ताकत और कहां से बढ़ेगी, एक बहुत बड़ी चिंता भाजपा को है। भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा और वेस्ट बंगाल से बहुत उम्मीद है, लेकिन ओडिशा के क्षत्रप नवीन पटनायक और वेस्ट बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी अपने किले में मजबूती से खड़े हैं। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी 220 तक सिमटती है तो फिर नए एनडीए का प्रारूप क्या होगा, ऐसी कई बातें हैं जो आने वाले समय में हम आपको बताते रहेंगे। कांग्रेस ने 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में जान आई है, इसी बलबूते पे वो उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली है। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां आज एनडीए के साथ जा रही है, कुछ यूपीए के साथ जा रही है, कुछ दोनों पार्टियों से दूरी बनाए हुए हैं। वो ये देख रहे हैं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, जब नतीजे सामने आएंगे तब डीलिंग होगा और सबसे ज्यादा हमें क्या मिलता है केंद्र से, कौन दे सकता है उसी का वो साथ देंगे। कुल मिलाकर 2019 का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। दूसरी ओर मतदाता भी बहुत सजग हो गया है। सोशल मीडिया ने हर बड़े दावे की पोल खोल दी है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी ताकत है नरेंद्र मोदी का चेहरा। भाजपा बार बार इस बात को दोहरा रही है कि नरेंद्र मोदी के सामने आगे कौन है, क्या राहुल नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे, क्या थर्ड फ्रंट से कोई एक नया नेता उभरेगा। लेकिन सभी दलों को यह समझना चाहिए, अब जनता और मतदाता थोड़ा समझदार हो गया है। ये वही मतदाता है कि जब उसे सभी राजनीतिक दलों से मोहभंग होता है तो फिर वो एक किन्नर को भी चुनाव जितवाता है। मध्य प्रदेश के कटनी में शबनम मौसी ने एमएलए का चुनाव ऐसा ही जीता था। यह है चुनावी खबरें, देखते रहिए धोबी घाट।